हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द सेशन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स। मैं हूं मनीष मिश्रा एंड इन दिस सेशन आई विल ब्रिंग टू यू द डिटेल एनालिसिस ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम जिसका नाम है वन नेशन वन रेशन कार्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइज आज का सेशन। सो गाइज, दिस स्कीम वॉज अनाउंस्ड इन द मंथ ऑफ जून 2019 एंड इट वॉज इनिशियली प्रपोज्ड टू बी नेशनली रोल्ड आउट बाय द जून 1, 2020। पहले ये प्रपोज किया गया था कि इसको 1 जून 2020 तक पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा, बट नाउ इट हैज बीन एक्सटेंडेड बाय मार्च 2021, यानी कि अब इसको मार्च 2021 तक का टाइम दे दिया गया है। मार्च 2021 तक पूरे देश में वन नेशन वन रेशन कार्ड स्कीम को लागू कर दिया जाएगा और ऐसा अनाउंस किया गया था बाय फाइनेंस मिनिस्टर। नाउ दिस स्कीम वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन विच इज हेडेड बाय मिस्टर रामविलास पासवान। ही इज राज्यसभा एमपी फ्रॉम बिहार। ऑलराइट, now what is the aim of the scheme? So guys, this scheme seeks to provide portability of food security benefits across the nation, yani ki food security benefits ko portable banana is scheme ka ek basic aim hai. This means that poor migrant workers will be able to buy subsidized rice and wheat from any ration shop in the country so long as their ration cards are linked to Aadhaar. jab tak ki kisi ek poor migrant labor ka ration card Aadhaar card se link hai तब तक वो पूरे देश में से कहीं से भी किसी भी फेयर प्राइस शॉप से जाके अपना राशन कलेक्ट कर सकता है। राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी इट इज एम्ड एट प्रोवाइडिंग इंट्रास्टेट एज वेल एज इंटरस्टेट पोर्टेबिलिटी ऑफ राशन कार्ड्स, यानी कि स्टेट के अंदर कहीं से भी, मान लीजिए कि अगर मैं मध्य प्रदेश में रहता हूं और मेरा ग्वालियर के अंदर राशन कार्ड या पीडीएस जो है वो रजिस्टर्ड है, तो मैं किसी और जिले में जाके, किसी और डिस्ट्रिक्ट में जाके भी विद इन मध्य प्रदेश अपना राशन कलेक्ट कर सकता हूँ, या फिर मैं मुंबई जाके, महाराष्ट्र जाके भी अपना राशन कलेक्ट कर सकता हूँ। सो इंट्रास्टेट और इंटरस्टेट दोनों के लिए ये वन नेशन कार्ड स्कीम लागू रहेगी। नाउ व्हाट इज द करंट प्रैक्टिस, अभी जो चीज फॉलो हो रही है वो क्या है? सो अंडर द एनएफएस एक्ट ऑफ 2013 अबाउट 81 करोड़ पर्सन्स आर एंटाइटल्ड टू बाय सब्सिडाइज फूड ग्रेन्स, राइस एट ₹3 पर केजी, वीट एट ₹2 पर केजी एंड कोर्स ग्रेन्स एट ₹1 पर केजी। And this is receivable from their designated FPS only. जो भी उनको designated fair price shop उनको allot की गई है, केवल वहीं से वो collect कर सकते हैं according to the current practice. Okay. Now currently about 23 ration cards have been issued to nearly 80 crore beneficiaries of NFSA in all states and UT. And in the present system, a ration card holder can buy food grains only from that FPS जो कि उसको assign किया गया है. Now after implementation of this वन नेशन वन रेशन कार्ड स्कीम, दिस प्रैक्टिस विल कम टू एन एंड एंड अंडर दिस अ बेनिफिशियरी विल बी एबल टू बाय सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स फ्रॉम एनी एफपीएस अक्रॉस द कंट्री, किसी भी एफपीएस से वो खरीद सकता है अपना राशन कार्ड, अपना राशन। ऑलराइट, एंड बेस्ड ऑन अ टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन अ बेनिफिशियरी विल बी आइडेंटिफाइड थ्रू बायोमेट्रिक ऑथेंटिफिकेशन, जो कि आधार कार्ड के थ्रू लिंक्ड होगा तो उसका बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन हो जाएगा। एंड दिस विल बी डन विद द इलेक्ट्रॉनिक POS मशीन installed at the FPS. हर FPS के पास एक electronic POS machine को install कर दिया जाएगा and जो भी person जिसको राशन अपना collect करना है वो अपने आधार कार्ड के through, linked राशन कार्ड के through अपना वो राशन collect कर सकता है. Okay? And remember guys कि इसके लिए राशन कार्ड का आधार कार्ड से लिंक होना बहुत ज्यादा जरूरी है. Now what is the process? इस पूरे स्कीम को implement करने के लिए क्या क्या प्रोसेस फॉलो किए जा रहे हैं by the government? सो स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉर राशन कार्ड हैज बीन प्रिपेयर्ड, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट प्रिपेयर किया गया है राशन कार्ड के लिए जो कि पूरी कंट्री में सेम रहेगा। एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स हैव बीन आस्क्ड टू इशू द राशन कार्ड इन बाइलिंगुअल फॉर्मेट, द डिटेल्स ऑफ राशन कार्ड होल्डर्स विल बी मेंशन इन द लोकल लैंग्वेज एज वेल एज इन इंग्लिश एंड हिंदी। जो राशन कार्ड होगा वो बाइलिंगुअल होगा, यानी कि उसमें इंग्लिश में भी इंफॉर्मेशन होगी सारी और हिंदी में भी होगी, और अगर किसी पर्टिकुलर स्टेट का है जहाँ पे कोई रीजनल लैंग्वेज फॉलो होती है, लाइक इन तमिलनाडु में तमिल लैंग्वेज फॉलो होती है, तो वहां पे उसमें तमिल में भी चीजें प्रिंटेड होंगी, जो भी इंफॉर्मेशन है वो प्रिंटेड होंगी। राइट, एंड द स्टेट्स हैव आल्सो बीन आस्क्ड टू यूज अ 10 डिजिट स्टैंडर्ड राशन कार्ड नंबर ताकि यूनिफॉर्मिटी बने रहे पूरे देश में। सारे के सारे राशन कार्ड के अंदर जो राशन कार्ड नंबर होगा दैट विल बी अ 10 डिजिट नंबर, एंड आउट ऑफ दैट 10 डिजिट्स फर्स्ट टू डिजिट्स विल बी स्टेट कोड्स एंड द नेक्स्ट टू डिजिट्स विल बी विल डिनोट द राशन कार्ड नंबर। पहले दो डिजिट जो होंगे वो होंगे हमारे स्टेट के और जो बाकी डिजिट्स होंगे वो डिनोट करेंगे राशन कार्ड नंबर को। राइट, नाउ गाइस, इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ईच एंड एवरी स्कीम देर आर सम चैलेंजेस। सो हेयर इन द वन नेशन वन रेशन कार्ड स्कीम देर आर ऑल्सो सम चैलेंजेस विच आर लाइक, फॉर एग्जाम्पल, देर आर मेनी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हु स्टिल डोंट हैव आधार कार्ड। बहुत सारा सेक्शन अभी भी ऐसा है,
अगर हम बात करते हैं कुछ माइग्रेंट वर्कर्स की, या फिर हम जो जनजाति होती हैं उन लोगों की बात करें जो कि आउटर एरियाज में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, उनके पास अभी भी आधार कार्ड नहीं है, इससे उनके फूड सिक्योरिटी उनसे छिन जाएगी. राइट, द फियर्स ऑफ एक्सक्लूजन आर ऑल्सो अप्लाइड फॉर दोज माइग्रेंट वर्कर्स बिकॉज द फिंगरप्रिंट्स ऑफ पीपल एंगेज इन कंस्ट्रक्शन लेबर एंड डोमेस्टिक वर्क मे चेंज और फेड एंड मे नॉट मैच विद द वंस एनरोल्ड इन आधार. सो बेसिकली अगर मान लो कि मैं एक माइग्रेंट वर्कर हूँ या कोई भी एक मैं लेबर हूँ जो कि मैं कहीं डोमेस्टिक वर्क करता हूँ या फिर कोई खुदाई का काम करता हूँ या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में मैं वर्क करता हूँ, तो जो मेरे फिंगर्स होते हैं उसके प्रिंट्स पे थोड़ा सा इफेक्ट आ जाएगा बिकॉज ऑफ दैट डस्ट एंड ऑल. सो अब अगर मैंने जो कभी अपना आधार कार्ड एनरोल किया था उस समय जो मैंने फिंगरप्रिंट दिया था, अब वो सेम फिंगरप्रिंट मैच होगा या नहीं होगा इस बात का बहुत बड़ा चैलेंज होता है बिकॉज काम करते वक्त मेरे फिंगरप्रिंट जो है वो फेड हो जाएंगे या फिर चेंज हो जाएंगे. ओके, नाउ देर आर सम लॉजिस्टिकल इश्यूज ऑल्सो बिकॉज एन FPS रिसीव्स द मंथली कोटा ऑफ प्रोडक्ट्स स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डिंग विद द नंबर ऑफ पीपल असाइन टू इट. सो अगर कोई FPS है उसको जितने पर्सन असाइन किए गए हैं वो उसके हिसाब से ही उसको राशन मिलता है और वो आगे डिस्ट्रीब्यूट कर देता है. बट आफ्टर दिस विल बी फुल्ली ऑपरेशनल दिस वुड डिस्टर्ब दिस प्रैक्टिस एज सम FPS मे हैव टू कैटर टू मोर नंबर ऑफ कार्ड्स इवन एज अदर कैटर टू लेस ओइंग टू माइग्रेशन ऑफ पीपल. अब क्योंकि लोग माइग्रेट करते रहते हैं यहाँ से वहां, इसका कोई परफेक्ट डाटा हमारे पास है नहीं, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि कुछ FPS को किसी मंथ में ज्यादा राशन का राशन बांटना पड़ जाएगा और कुछ को कम राशन देना पड़ेगा. राइट, एंड देर इज नो एग्जैक्ट डेटा ऑन द मोबिलिटी ऑफ पुअर हाउस होल्ड माइग्रेटिंग टू वर्क लोकेटिंग इंट्रा एंड इंटर स्टेट डेस्टिनेशन सेक्टर्स एम्प्लॉइंग द वर्कर्स. सो एज आई टोल्ड यू कि हमारे पास कोई डेटा नहीं है माइग्रेशन का कि कितने लोग माइग्रेट कर रहे हैं, कहाँ माइग्रेट कर रहे हैं, कैसे माइग्रेट कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से FPS के पास जो अलॉटमेंट है उसमें प्रॉब्लम आ सकती है. सो गाइस दीज आर सम चैलेंजेस, बट यस इन चैलेंजेस को भी खत्म कर दिया जाएगा बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिकॉज गवर्नमेंट जो है इस पे काफी ज्यादा काम कर रही है ताकि किसी को भी कहीं पे भी देश के किसी भी कोने में राशन लेने में समस्या ना हो. ऑलराइट, नाउ व्हाट आर द अपडेट्स इन द स्कीम. सो टिल 30 जून 2020 अबाउट 17 स्टेट्स हैव कम ऑन बोर्ड टू इंप्लीमेंट द इंटर स्टेट राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी. 17 स्टेट्स ने मंजूरी दे दी है इस चीज को एंड इट हैज बीन अनाउंस्ड टू नेशनली रोल आउट ऑफ वन रेशन कार्ड सिस्टम बाय मार्च 2021. एज ऑलरेडी डिस्कस, ये हमने डिस्कस कर लिया है कि मार्च 2021 तक इसको पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा. राइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट. सो गाइस दिस वॉज एनएक्टेड इन द मंथ ऑफ जुलाई इन द ईयर 2030 एंड इट गिव्स लीगल एंटाइटलमेंट टू 67% ऑफ द पॉपुलेशन, 75% in rural areas and 50% in urban areas to receive highly subsidized food grains. Basically, इसके अंदर highly subsidized food grain दिया जाता है to more than half population of our country. And under this act, food grain is allocated at 5 kg per person per month for priority households category and at 35 per kg per family per month for AAY families at a highly subsidized prices of rupees 1, rupees 2, rupees 3 per kg for nutri cereals. Wheat and rice respectively. So this is about National Food Security Act. And now what about PDS, Public Distribution System. So this was evolved as a system for distribution of food grains at affordable prices way back in the year 1947 in the month of June. But it was relaunched as Targeted PDS, Targeted Public Distribution System in the month of June 1997. Okay. And TPDS aims at providing food grains to people below the poverty line at highly subsidized prices from the PDS. And food grains to people above the poverty line at much higher prices than the poverty line. Alright, जो poverty line से नीचे के लोग हैं उनको बहुत ज्यादा subsidized rate पे इसमें राशन दिया जाता है और जो poverty line के ऊपर के लोग हैं उनको poverty line के नीचे से के लोगों को जितना दिया जा रहा है उससे ज्यादा prices पे दिया जाता है. Alright, so guys this was all about one nation one ration card scheme. I hope आपको सारे provisions clear हैं. इससे ज्यादा detail में किसी भी exam में नहीं पूछा जाएगा and this scheme is very important for UPSC, PSC, RBI Grade B and NABARD. RBI Grade B के ESI section में ये question पूछा जा सकता है इससे. NABARD में तो कहीं पे भी पूछा जा सकता है and UPSC and PSC, State PSC जो exams होते हैं उसमें कहीं भी ये question पूछा जा सकता है. Alright, तो चलिए start करते हैं with questions. But before we begin, let me tell you one more thing जो कि बच गई कि one nation one ration card जैसे और भी कई चीजें हैं जिसमें one nation one card को follow up किया जा रहा है, like one nation one fastag, वन नेशन वन मोबिलिटी कार्ड एंड वन नेशन वन रेशन कार्ड तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं. इसके अलावा एक वन नेशन वन टैक्स भी है गाइस,
जो कि जीएसटी को अनरोल होने से पहले गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था दैट वी विल बी फॉलोइंग वन नेशन वन टैक्स, एंड जीएसटी इंप्लीमेंट होने के बाद वी आर फॉलोइंग दिस वन नेशन वन टैक्स, राइट? सो दीज आर सम अदर वन नेशन वन कार्ड स्कीम्स जो कि गवर्नमेंट अभी इंप्लीमेंट कर रही है या फिर करना बाकी है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर वन. सो गाइज आई होप अब आप सारे क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे. सो क्वेश्चन नंबर वन इज टू अलाउ पोर्टेबिलिटी ऑफ फूड सिक्योरिटी बेनिफिट द गवर्नमेंट इज गोइंग टू इम्प्लीमेंट वन नेशन वन रेशन कार्ड स्कीम इन द होल कंट्री बाय पोर्टेबिलिटी ऑफ फूड सिक्योरिटी बेनिफिट को अलाउ करने के लिए गवर्नमेंट वन नेशन वन रेशन कार्ड को स्कीम को पूरी देश में लागू कर देगी कब तक. सो गाइज अभी हमने डिस्कस किया कि पहले इसकी तारीख थी 1 जून 2020 बट नाउ इट हैज बीन एक्सटेंडेड टू मार्च 2021 तक पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा. सो देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज व्हाट ऑप्शन ए मार्च 2021. फॉर ऑपरेटिंग वन नेशन वन रेशन कार्ड सिस्टम द स्टेट्स हैव बीन आस्क्ड टू यूज अ डैश स्टैंडर्ड रेशन कार्ड नंबर. सो सभी स्टेट्स को बोला गया है कि एक सिमिलर पैटर्न का राशन कार्ड होना चाहिए, उसके अंदर बाइलिंगुअल इंग्लिश और हिंदी दोनों में इंफॉर्मेशन प्रिंटेड होनी चाहिए और साथ ही साथ 10 डिजिट का राशन कार्ड नंबर होना चाहिए. सो देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज व्हाट ऑप्शन बी 10 डिजिट. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, अ बेनिफिशियरी गोज टू द अदर स्टेट फॉर 3 months एंड अवेल द बेनिफिट्स ऑफ वन नेशन वन रेशन कार्ड इन दैट स्टेट, इज ही और शी एलिजिबल टू टेक द फूड ग्रेन्स फ्रॉम द फॉर्मर स्टेट व्हाइल रिटर्निंग बैक. जब वो वापस आएगा, अगर कोई बेनिफिशियरी है जो दूसरे स्टेट में गया 3 महीने के लिए, वहां पे उसने राशन कलेक्ट किया है एज पर वन नेशन वन रेशन कार्ड स्कीम, अब जब वो वापस आएगा तो क्या वो एलिजिबल होगा अपने पुराने स्टेट से राशन अवेल कराने के लिए? तो यस गाइस, विदाउट एनी ऑब्स्टेकल ही और शी विल बी एलिजिबल टू कलेक्ट द राशन फ्रॉम हिज अर्लियर स्टेट. ओके, क्वेश्चन 4 इज व्हाट आर द एसोसिएटेड चैलेंजेस इन इंप्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम वन नेशन वन रेशन कार्ड. तो क्या क्या चैलेंजेस फेस किए जाएंगे इस स्कीम को लागू करने में? सो करप्शन, यस इट इज अ मेजर चैलेंज इन इंडिया. लैक ऑफ डेटा ऑन मोबिलिटी ऑफ माइग्रेंट्स, यस वी हैव डिस्कस्ड दिस. लेस आधार कार्ड होल्डर्स, यस काफी लोग ऐसे हैं जिनके पास आधार कार्ड नहीं है. एंड टेक्निकली वीक सिस्टम इन सम स्टेट्स, यस. सो दीज ऑल आर द चैलेंजेस, दीज ऑल आर द प्रॉब्लम्स दैट विल बी फेस्ड बाय द गवर्नमेंट इन इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस स्कीम. सो देयरफॉर द करेक्ट आंसर विल बी व्हाट गाइस, ऑप्शन ई, ऑल ऑफ द अबव. नाउ लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस स्कीम, Like one nation, one ration card, there are some other scheme implemented on the same theme in India, which is not among them. इनमें से क्या ऐसा है जो कि one nation, one ration card की lines पे नहीं है? So one nation, one fast tag है, अभी हमने पढ़ा था. One nation, one tax भी है, GST के enroll होने के बाद हो गया. One nation, one mobility card भी है. One nation, one salary is not there. So therefore, guys, the correct answer will be what? Option D. Option D will be the correct answer. One nation, one salary. Alright. So guys, that's it for the session. I hope you like it. For more updates, do subscribe our channel and press the bell icon. आपको session कैसा लगा? Please comment करके जरूर बताएं. Thank you so much for watching. Goodbye, take care and God bless.